कोरोना का असर पुरुषों के स्पर्म क्वालिटी पर पड़ रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है और ये खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं। अभी तक कोरोना के साइड इफेक्ट्स में इम्यूनिटी का लो होना और शरीर कमजोर होना शुमार था, लेकिन नए रिसर्च में पता चला है कि कोरोना के संक्रमण का असर पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी हो रहा है। पुरुषों के स्पर्म काउंट कम होने की बात तमाम रिसर्च में कही जा रही है। दरअसल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कमी आने से पुरुष मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, ऐसे में उनकी इनफर्टिलिटी बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। वैसे शारीरिक रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना काल के इस दौर में इस बीमारी ने पुरुषों को संकट में खड़ा कर दिया है। इस बीमारी में पुरुषों के शरीर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, लिबिडो, स्पर्म क्वालिटी और काउंट पर बुरा असर होता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति इनफर्टाइल हो सकता है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस स्पर्म सेल्स डेथ, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस गंभीर बीमारी पर जांच करने के लिए डॉक्टर्स ने 105 हेल्दी मरीजों के साथ 84 कोरोना संक्रमित मरीजों का करीब 60 दिनों के लिए स्पर्म काउंट डेटा लिया और उसे मैच करने पर पाया कि संक्रमित मरीजों के स्पर्म सेल्स में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस की मात्रा बढ़ी हुई है। इस विषय पर एक्सपर्ट्स ने अपनी जांच पूरी होने के बाद बताया कि जिन लोगों को ये बीमारी अब तक नहीं हुई है, वे समय के भीतर आई इस बीमारी की कमी से निजात पा लेंगे, लेकिन कोविड-19 से पीड़ित पुरुषों में इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा, यानी कि उनकी स्पर्म क्वालिटी खराब होती जाएगी और काउंट पर भी असर पड़ेगा। बीमारी का असर कितने समय तक शरीर पर रहेगा, इसके प्रमाण जाँच के खत्म होने के बाद जारी किए जाएंगे। वैसे आज की दौड़ती भागती जिंदगी में स्पर्म काउंट के कम होने की कई वजह हैं। नौकरी पेशा वाले लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से सही समय पर खाना पीना या सोना नहीं कर पाते, इसके कारण उनका शरीर कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, अधिक मात्रा में शराब पीना और धूम्रपान करना भी उनके स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। ऐसे में पुरुषों को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए जरूरी ध्यान देने होंगे। इसके लिए हेल्दी डाइट मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जिनमें विटामिन डी, सी और जिंक जैसे पौष्टिक तत्व की मात्रा ज्यादा हो। जैसे फल, सब्जियां, हाई प्रोटीन खाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ अश्वगंधा का भी सेवन करना बहुत जरूरी माना जाता है। ये तमाम चीजें स्पर्म काउंट लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।